इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर सुदीप तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 25 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म द केरला स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 25 की, तो फिल्म द केरला स्टोरी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 25 के अंदर 2 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म द केरला स्टोरी का अभी तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 227 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म द केरला स्टोरी को ओवरऑल 28 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड सैलरीज को मिलाकर। और दोस्तों फिल्म द केरला स्टोरी अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई कर 200 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म अपने 250 करोड़ के आंकड़े के बेहद नजदीक है। फिल्म द केरला स्टोरी दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं विक्रम ऐश्वर्य राय बच्चन जयाम रवि कार्तिक त्रिशा कृष्णन एंड शोभिता डुलीपाला स्टार फिल्म पोनियन सेल्वन 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म पोनियन सेल्वन 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 की, तो फिल्म पोनियन सेल्वन 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 0.50 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई की। इसी के साथ फिल्म पोनियन सेल्वन 2 का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 342.50 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से टोटल 135 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का ओवरसीज मार्केट से 127.15 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म के सेकंड पार्ट को ओवरऑल 250 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म पोनियन सेल्वन 2 को दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं टोबिनो थॉमस कुचाको बोबन आसिफ अली अपर्णा बालामुरली एंड विनीत श्रीनिवासन स्टार मलयालम सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म 28 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 25 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म 28 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 25 की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 25 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 2 करोड़ की ग्रॉस कमाई की। इसी के साथ फिल्म 28 का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 165 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट केरला बॉक्स ऑफिस से टोटल 82.50 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का ओवरसीज मार्केट से 72.5 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म 28 के बजट की बात करें तो फिल्म को ओनली 24 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। और दोस्तों फिल्म 28 ने अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर कमाई कर 150 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी है। फिल्म 28 को दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को मिस कर रहे हैं। फिल्म को नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं विजय एंटोनी एंड काव्या थापा स्टार फिल्म पीछाकरण 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म पीछाकरण 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के अंदर 1 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म पीछाकरण 2 का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 32.81 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करेंगे तो फिल्म को ओवरऑल 30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की है। फिल्म पीछाकरण 2 दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये तरीका जो कहा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।